अखिलेश भाई कैसा फील कर रहे हो? फीलिंग थी बहुत अद्भुत फीलिंग हो रही है यहाँ पर, आनंद की अनुभूति बिल्कुल। गांधी जी का आश्रम जो हम घूमने आए हैं ना, ऐसा लग रहा कि बाकी में गांधी जी आज होते तो क्या आनंद आता है ना। ये जो घर बनाए हैं, इनकी जो डिजाइन है, यहाँ पर कितना मतलब कूल फील होता है ना, एकदम मन को शांति मिलती है यहाँ बैठ कर। कितने डिजाइन से घर बनाया है इन्हें, अगर इधर देखो ये सारी कुटिया बनी है। ये ग्राम सेवा ग्राम में है बापू की कुटी। यहाँ पर आपको खादी से बने हर चीज मिल जाएगी, खादी, गुलाब जल, कॉस्मेटिक, जो हमारे भारतवर्ष में चलते आए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी और उपयोग कर सकते हैं आप। स्वदेशी है, इसका उपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है ताकि इन लोगों को रोज़गार मिले, भारत में ही रोज़गार पैदा हो। हाँ रोशन भाई, ये वो है ना, अपने यहाँ जो भी लोग यदि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, गौमूत्र का अर्का है या कपड़ा खादी का बनाना है, तो एमगिरी में ट्रेनिंग भी मिलती है। हाँ, वहाँ गवर्नमेंट का संस्थान है। हाँ, हाँ, एक, वहाँ एक, भी हम शायद जाने वाले अभी। हाँ, विजिट जरूर जाएंगे। एमगिरी करके गवर्नमेंट का संस्थान है, वहाँ पर आपको साबुन बनाना, पेस्ट बनाना और ऐसी तमाम, शैम्पू बनाना और इसका गौर्क बनाना, कपड़े बनाने का भी है ना, कपड़े बनाने का भी है वहाँ, मतलब बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग दी जाती है वर्धा में। आप सर्च करो एमगिरी, अगर हमारा जाना हुआ तो हम आपको वहाँ का वीडियो बताएंगे। जो हमारे आजू आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल, नागपुर, होशंगाबाद और इधर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र के लोग हैं, जो वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो अपना खुद का रोज़गार चालू कर सकते हैं, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, तमाम तरह की चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है, गवर्नमेंट की संस्था है। हाँ, और ना के नाम मात्र की फीस है वहाँ पर, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं। रहने की भी व्यवस्था वहीं पर है, अगर हमारा जाना हो तो हम आपको बताएंगे।